हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सची हरियाणवी फनी वीडियो में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ना जो दादा लक्ष्मीचंद मूवी आई हुई है इसके बारे में देखते चलेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद ने भाई समय करा दे नरके कर ले या समय आवनी जानी वो समय पर प्यारा दोरा थे जा वो समय बदल जा पानी। तो देखिए, अभी जो क्लिप देखी हमने वह थी दादा लक्ष्मीचंद मूवी की। अब दादा लक्ष्मीचंद के जीवन के बारे में जानते हैं, इनको सूर्य कवि और इनको कालिदास क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इनका जन्म है, ये हुआ 15 जुलाई 1903 को। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ जांटी कला सोनीपत में, और इनकी मृत्यु होती है 17 अक्टूबर 1945 में। तो देखिए, इनके गुरु हैं, ये हैं श्री मान सिंह, जो कि एक बार किसी शादी में आए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर इनको देखा था और उनको गाते हुए देखा था, तभी से इनको ना अपना गुरु मान लिया था। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि दादा लक्ष्मीचंद के कंठ पर ना सरस्वती का वास था। वह बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी रागनियां गाते थे और उन्हें वेद शास्त्रों के बारे में भी ज्ञान था। ये देखिए, ये दादा लक्ष्मीचंद के टाइम की ये सीसीटीवी है, ये देखिए कैसे देख रहे हैं। जगते की बहू से तन्ने क्यों कर बेरा, तुम पहचानो सो इसकी। तो देखो, सीसीटीवी को तुम से ही पहचान लेते हैं किसकी वाइफ है। तो देखिए, इस मूवी को ना अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये संगीत हो खुश है चलो उस देश में जहां संगीत हो ना हो देश कलेश पूरे भाईचारा हो चलो उस देश में जहाँ संगीत हो। चलो उस देश में। भावना का पहला फर्ज ये होता है कि ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान बांटे। आप जो बात कह रहे हो वह ठीक है, पर हमने थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। वो ही तो नहीं है टाइम। तो देखिए, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है 1942 का टाइम रहता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर भाषण दे रहे होते हैं। तो दादा लक्ष्मीचंद साइड में बैठे रहते हैं और वहाँ पर अपनी रागनियाँ गाना शुरू कर देते हैं। तो सभी का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। तब राजेंद्र प्रसाद हैं, ये पूछते हैं कि ये कौन है। तो उनमें से कोई एक जवाब देता है कि ये हमारे कालिदास हैं। तो देखिए, इसी प्रकार दादा लक्ष्मीचंद को कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है कि किस प्रकार ये अपना घर त्यागते हैं और कैसे इनका रुझान है। तो कैसे दादा लक्ष्मीचंद का रुझान सांग, नाटक और संगीत की तरफ बढ़ता जाता है, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये देखिए, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है और इनके घर वाले चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कोई जॉब करे, लेकिन दादा का रुझान रहता है कि वह संगीत में जाए और सांग करे। तो इनकी कई बार कुटाई भी की जाती है और ये घर से भी भाग जाते हैं। तो देखिए, ऐसा ही पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो कैसे ये पूरी मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है, और ये मूवी दो पार्ट में बनी हुई है। तो आप सभी इस मूवी को अवश्य देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मूवी में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार एक अनपढ़ लड़का बहुत ही अच्छा संगीतकार और एक सांगी बन जाता है। वह अपने गुरु मानसिंह का बहुत ही सम्मान करता है। कुछ लोग उनके गुरु के बारे में ना कुछ गलत बोल देते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, और इसी कारण उन लोगों से उनका झगड़ा भी हो जाता है। तब वे कुछ लोग होते हैं वो इनसे जलने लगते हैं और दादा लक्ष्मीचंद के खाने में ना कुछ मिला देते हैं, और इससे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और उनका गला भी खराब हो जाता है। तो उन्होंने कितना संघर्ष किया और फिर से अपनी आवाज़ को दोबारा से पाया, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये सभी आप जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा पता लगेगा कि इन्होंने कितना संघर्ष किया, और इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी मूवी में यही दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक अनपढ़ लड़का कितना संघर्ष करता है और कैसे संगीत की तरफ इनका रुझान जाता है और उसको बढ़ावा देता है और संग का एक जनक बन जाता है, और इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इनको काफ़ी सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इनका जन्म जाटी कला में होता है, जो कि सोनीपत में है। तो हरियाणा में ही संग का उदय माना जाता है। तो आप सभी इस मूवी को अवश्य देखना, और देखना कि किस प्रकार एक
अनपढ़ व्यक्ति कितना संघर्ष करते हुए भी एक अच्छी ख्याति प्राप्त कर लेता है। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। इसमें हमारे हरियाणा की झलक दिखाई देगी और हरियाणा के कल्चरल को बढ़ावा मिलेगा। और आप सभी इस मूवी को अवश्य देखना। तो देखिए, पूरी मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है, तो आप सभी मूवी को देखना। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लेना, ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो डालें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आता रहे। और देखिए, दादा लक्ष्मीचंद की ना काफ़ी सारी रागनियाँ फेमस है, तो देखते हैं कौन कौन कितनी सारी रागनियों के नाम लिखता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में दादा लक्ष्मीचंद की रागनियों के नाम लिखना, और ये इनके बारे में जिसको भी जितना भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इससे इनके बारे में जो भी जानकारी है उसका पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुएं में चले जाते हैं और वहाँ से फिर अपनी आवाज़ को दोबारा से लाते हैं और फिर से गाना शुरू कर देते हैं। तो कितना संघर्ष किया है इस दादा लक्ष्मीचंद ने, तो ऐसा इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो आप सभी ने इसको यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक्स। और आगे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक कमेंट करना। हमें आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है और देखिए, हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और तो अधिक से अधिक कमेंट करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार ये एक अच्छी सी मूवी है, तो आप सभी इस मूवी को देखना। आशा करती हूँ आप सभी इस मूवी को देखने जाएंगे। तो देखिए, इस मूवी का हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है और जितना मुझे पता था वह मैंने बताया है। आगे भी और इनके बारे में अच्छी और नई जानकारी एकत्रित करेंगे और आगे भी बताएंगे। तो थैंक्स।